हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी। आज़ाद आईएएस एकेडमी के थीम प्रोजेक्ट भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भारत दर्शन में मैं आज आ पहुंचा हूं उत्तराखंड में देवप्रयाग, और यहां से मैं भारत की समस्त नदियों को आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको गंगा बनने की कहानी दिखाऊंगा, किस प्रकार से देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है और गंगा बनती है। इसके बाद आप लोगों को आज कंप्लीट जितना भी एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से नदियों को लेकर के आपके लोकेशन बेस्ड जानकारी है और नदियों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। मैं हिमालयी नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। हिमालयी नदी तंत्र में मैं आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देवप्रयाग की इस पावन धरती पर, देवभूमि पर गंगा के दर्शन कराऊंगा। गंगा में आपको पहले भागीरथी नदी और फिर अलकनंदा नदी दोनों नदियों को दिखाते हुए फिर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती हुई किन किन नदियों का संगम कहां कहां पर होता है, जिसको लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पूरी क्लास को देखने के बाद नदियों से जुड़ी हुई सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको प्रचंड धारा में बहते हुए, रौद्र रूप में बहते हुए भागीरथी के दर्शन कराता हूँ। ये आपके सामने है भागीरथी नदी, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा से आ मिलती है। देख पा रहे होंगे बड़े ही प्रचंड वेग से बह रही है, कलकल करती हुई ध्वनि, इसकी आध्यात्मिक ध्वनि, रोमांचकारी ध्वनि, और काफ़ी पहाड़ों को बीच से चीरते हुए। देखिए, आप देख सकते हैं सामने एक बड़ा पहाड़ है, ये देवप्रयाग आप सामने देख पा रहे हैं, काफ़ी घर आपको दिख रहे होंगे, ऊपर एक सड़क दिख रही होगी जहाँ से वाहन जा रहे हैं। ये एक विस्तृत पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। नदी ने दोनों पहाड़ों को बीच से आपस में चीर दिया है। नदियाँ अपना स्थान नहीं बदलती हैं, पर्वतों को बीच से वो काटते हुए अपना रास्ता और मार्ग बनाती हैं। अब मैं आपको दूसरी प्रमुख नदी अलकनंदा दिखाऊंगा। जस्ट सामने एक शांत धारा में प्रवाहमान होती हुई शांत नदी अलकनंदा जो सामने चली आ रही है, और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये संगम वाला एरिया है, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम हो रहा है। आप देखिए, ये है गंगा, सामने एक प्रवाहमय एक धारा बनती है, इसी को गंगा कहते हैं। यही है गंगा, इसी गंगा की कहानी को आज मैं आपको प्रारंभ से पढ़ाऊंगा, गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। इसकी यात्रा जो गंगोत्री ग्लेशियर से प्रारंभ होती है और किस प्रकार से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस किस नामों से ये जाकर के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, हर स्टेट की इसकी यात्रा को आपको विस्तृत क्रम पे बताने का प्रयास मैं करूँगा। तो चलिए पहले गंगा के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गंगा दो धाराओं में निकलती है। पहली धारा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जिसमें एक सहायक नदियाँ, बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। यानी गंगा कोई एक नदी नहीं है, बहुत सारी सहायक नदियों का बना हुआ एक विस्तृत रूप है। दूसरी अलकनंदा है जो कि सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, पहली है धौनी गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। दोनों आपस में मिलती हैं विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में मिलकर के एक जो संयुक्त धारा बनती है यही अलकनंदा कहलाती है, है ना। अलकनंदा में बहुत सारी नदियाँ क्रम से मिलती हैं। पहली नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, जिसका नाम है पिंडर, ठीक है। इसके बाद दूसरी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, जिसका नाम है मंदाकिनी, और देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी। यानी अलकनंदा में ही सारी नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा में पिंडर मिलती है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा में ही भागीरथी मिलती है। ये पूरा क्रम है अलकनंदा में नदियों के मिलने से, और देवप्रयाग में ही जो संगम होता है भागीरथी अलकनंदा का, गंगा जैसी गंगा की ये विशाल धारा यहीं से बनती है, ठीक है। गंगा जो है उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचती है, लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में करती है। उत्तराखंड में 450 किलोमीटर की यात्रा रहती है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो बॉर्डर बनाती है, 110 किलोमीटर की बॉर्डर बनाती है, बिहार पहुंचती है, लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा बिहार में करती है। फिर झारखंड में 40 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में 500 किलोमीटर के आसपास जो है गंगा नदी जो है अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा वहाँ पर जाकर के जमुना से मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी ही जब सदिया से धुबरी से असम में धुबरी से प्रवेश करती है बांग्लादेश में,
सदिया से धुबरी तक वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है असम में, संगपो नदी जो कि तिब्बत से आती है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर जाकर के बांग्लादेश में जमुना के नाम से मिलती है, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे चल करके पद्मा से एक और नदी मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। मेघना और पद्मा की संयुक्त धारा ही जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, यानी गंगा नदी तंत्र एक विस्तृत और व्यापक भारत की सांस्कृतिक विरासत है। गंगा एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारी पहचान है, भारतीय संस्कृति की जान है। देखिए, नदियों ने सभ्यताएं बनाई हैं। सिंधु घाटी नदी की बात करें, सिंधु नदी ने सिंधु नदी घाटी की सभ्यता बसाई। गंगा नदी के किनारे आज विशाल सभ्यता आप देख रहे हैं, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गाँव, उत्तर भारत का विशाल मैदान इसी नदी द्वारा सिंचित और पोषित किया जा रहा है। देखिए, जो नदी तंत्र की बात होती है तो नदी तंत्र में कोई एक नदी नहीं होती, बहुत सारी नदियाँ मिल करके एक सिस्टम क्रिएट करती हैं, एक नदी का विशाल स्वरूप बनाती हैं जो कि अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मुहाने तक पहुंचती हैं, समुद्र तक की यात्रा करती हैं। और जितनी सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती हैं या आगे चलकर जितनी वितरिकाओं में ये बढ़ जाती है, ये सभी एक नदी तंत्र का हिस्सा होती है। पहले चर्चा करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र में जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रमुख ग्लेशियर हैं आपके। पहला ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी निकल रही है ना, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया। और दूसरी जो दूसरा ग्लेशियर है आपका सतोपद ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा निकलती है। इन दोनों ग्लेशियरों से निकली हुई नदियाँ देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और मिल करके गंगा बनती हैं, ठीक है। गंगा जब यहाँ से पहुँचती है, इसके बाद इसको रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है। रामगंगा के बाद जो है फिर आगे इसमें गोमती मिलती है, गोमती गाजीपुर में मिलती है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती गाजीपुर में मिलती है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है गंडक नदी, घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा नदी के बाद गंडक नदी, गंडक के बाद कोसी नदी, कोसी नदी के बाद जो है आपकी नेक्स्ट नदी जो मिलती है वो है महानंदा नदी। यानी कि देखो, जब कोई नदी चलती है तो इसकी दो तट हैं, एक दायां तट है, एक बायां तट है, ठीक है। तो गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद आपकी घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा है। पूरा क्रम याद रखिएगा। अब रही बात दाहिने तट की। गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यहीं से निकल करके प्रयागराज में एक संगम होता है जो कि काफ़ी पावन धरती है, गंगा और यमुना का संगम, जिसे हम अभी कुंभ मेला भी वहाँ पर आयोजित होता है ना, हरिद्वार में भी कुंभ मेला होता है। तो गंगा और यमुना का संगम, दाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना है, गंगा नदी तंत्र की एक सबसे बड़ी नदी। अब एक चीज़ और देखते हैं, यमुना नदी भी अकेले नहीं बहती, बहुत सारी नदियों के जल को एक साथ लेकर बहती है। जैसे चंबल है ना, चंबल नदी है, वो भी आकर के मालवा के पठार से निकलती है और आकर के यमुना में मिल जाती है। इसके बाद सिंध नदी है ना, चंबल, सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन, ये नदियाँ यमुना में मिलती हैं। यमुना इनकी संयुक्त धारा को ले जाकर के कहाँ पर गिराती है, गंगा में जाकर के विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है, संगम बनाती है, वहाँ से एक धारा निकलती है। इसके बाद गंगा में दाएं तट से मिलने वाली दो प्रमुख नदियाँ और हैं। एक है टोंस नदी, इलाहाबाद के पास ही, प्रयागराज के पास ही आगे जाकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है टोंस नदी। और उसके जस्ट आगे पटना में एक और नदी मिलती है जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, पहले मैं बता रहा हूँ आपको बाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से रामगंगा है ना, रामगंगा के बाद नेक्स्ट आपकी नदी है गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। और दाएं तट से मिलने वाली यमुना है ना, टोंस और सोन, यमुना में मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये है पूरा गंगा नदी तंत्र। अब देखिए, गंगा जब फरक्का के पास पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, एक शाखा इसकी हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इसी के तट के किनारे है कोलकाता शहर बसा हुआ है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो हुगली जो है गंगा की एक वितरिका है जो जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अब गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ से ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, यहाँ इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। अब पद्मा जब पहुँचती है तो पद्मा के साथ बांग्लादेश से, बांग्लादेश में जमुना आकर के मिलती है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी या मेघना नदी आकर के मिलती है मिठानकोट के पास, चंद्रनगर के पास बांग्लादेश में। और चंद्रनगर के पास जब आकर के मिलती है वहाँ पर इनकी संयुक्त धारा कहलाती है, वहीं से मेघना बन जाती है और मेघना ही बंगाल के खाड़ी में जल गिराती है। तो ये है पूरा आपका गंगा नदी तंत्र। अब दूसरी प्रमुख नदी ये हो गई गंगा नदी तंत्र। गंगा के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई।
टोटल 2525 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है गंगा नदी की, उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। अब आगे चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र, एक बहुत प्रमुख नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। फिर हम सिंधु नदी तंत्र के बाद आगे चर्चा करेंगे एक प्रमुख नदी तंत्र की जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख नदी है सिंधु नदी। सिंधु अकेले नहीं बहती, बहुत सारी नदियों को लेकर बहती है, निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र में, मानसरोवर झील का आपने नाम सुना होगा। तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती आपकी सिंधु नदी, वहीं पर चेमाईउंड ग्लेशियर है, उसी से ही मानसरोवर झील क्रिएट होता है, उसी ग्लेशियर से बनता है। तो तिब्बत में जब ये नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर पर प्रवेश करती है, लद्दाख पहाड़ियों लेह के पास से निकलते हुए नंगा पर्वत से प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में सिंधु नदी। अब सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों को क्रम से देखते हैं। पहली सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के पास से निकलती है, बुलर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। इसके बाद बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला से चिनाब नदी निकलती है, है ना। चिनाब नदी दो नदियों के रूप से निकलती है, चंद्रा और भागा के नाम से आगे चल के चिनाब बन जाती है और चिनाब भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं, एक और प्रमुख नदी है जो कि रोहतांगला के पास से निकलती है, रावी नदी। रावी नदी रोहतांगला से निकलती है, वहीं से ही ब्यास नदी भी निकलती है। रावी नदी चिनाब में जाकर के मिल जाती है, उधर झेलम भी चिनाब में आके मिल जाती है, ब्यास नदी आकर के हरिके के पास सतलुज नदी पर मिल जाती है। सतलुज नदी राकस ताल से निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र में, मानसूर के पास ही एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल, राकस ताल झील से निकलती है और राकस ताल पर निकल करके ये पहुंचती है आपकी, राकस ताल से निकल करके आपकी पहुंचती है सिपी किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद भाखड़ा नागल डैम बनाया गया इसमें, और इसके बाद पंजाब पहुंचती है और पंजाब में ही हरिके वाले स्थान पर ब्यास नदी से मिल जाती है और इसके बाद जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिनाब नदी झेलम को रावी को लेकर के मिठानकोट से पहले ही थोड़ा सा सतलुज में मिल जाती है और मिठानकोट में सतलुज जो है सिंधु से मिल जाती है, यानी कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज में सतलुज अपनी सभी नदियों को लेकर के सिंधु से मिलती है, ये है सिंधु नदी तंत्र। और भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे सियोक नदी, सिगार नदी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, कुर्रम नदी, स्वात नदी, है ना, स्वात नदी घाटी है ना, गोमल नदी, ये सारी नदी, काबुल नदी, ये सारी नदियां भी सिंधु की सहायक नदियां हैं, छोटी सहायक नदियां। तो ये था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज प्रमुख नदियां, याद रखिएगा ये क्रम याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग एक प्रमुख नदी तंत्र जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अवस्थित कहां पर है आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अवस्थित है कहां पर। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी, प्रारंभ होती है तिब्बत वाले क्षेत्र से, तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और मानसरोवर झील के पास से निकल करके नामचा बरवा पर्वत के पास से ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है इसका, दिहांग। और दिहांग आगे आगे बढ़ते हुए सदिया के पास, है ना, सदिया से धुबरी की यात्रा होती है असम वाले क्षेत्र में, जहां इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, यहीं पर यह ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानी जाती है, तो यहीं पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसको एक बार समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्रम से, तो एक एक विषयों पर मैं आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को बताता जाऊंगा। ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में पड़ता है, असम की जो घाटी होती है, जो मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र ने विकसित किया है। इसकी सहायक नदियों में प्रमुख सहायक नदी आपकी मानस है, आपका नाम आप जानते ही है मानस, उससे पहले तीस्ता है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद भी है। तीस्ता, मानस, संकोस, सुवनसिरी, है ना, ये सब प्रमुख नदियां हैं, जिया बरेली, ये सारी नदियां हैं जो कि आपकी कहां पर मिलती है, ये नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। दो और प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक है दिबांग नदी, दूसरी है लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र की दो प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां एक बार फिर क्रम से देखते हैं, तीस्ता, मानस, संकोस, सुवनसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पिथुमारी, दिहांग, लोहित, है ना, ये सारी प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो है प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जमुना के नाम से जानी जाती है और आगे चल के यही जमुना नदी, अब यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, है ना,
काफ़ी अच्छा मौसम अच्छा तो नहीं कहेंगे इसे, मौसम काफ़ी बिगड़ गया है। लेकिन ये हो गए हमारे तीनों नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। अब हम चर्चा करते हैं आगे जो है प्रमुख नदी तंत्रों की, जिनका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये मानसूनी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब इसमें से बंगाल की खाड़ी में कुछ गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में सबसे पहले लूनी नदी अंतःस्थलीय कक्ष की खाड़ी में आकर के विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी है ना। लूनी नदी के अलावा जो क्रम से नदियाँ हैं, पहली आपकी साबरमती नदी, गुजरात वाले क्षेत्र में लूनी है, साबरमती है, साबरमती के नीचे माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपकी प्रमुख नदी जो है नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जबलपुर में कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है और ज्वार नदमुख बनाते हुए भृगुकक्ष के पास, भड़ौच के पास जो है अरब सागर में जल गिराती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के आगे जाए, इसी पे ही सरदार सरोवर डैम या बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। इसमें डैम वाले चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, तापी नदी है, तापी नदी के तट पर ही सूरत नगर जो है वो अवस्थित है। तापी भी आपकी अरब सागर में जल गिराती है। इसके बाद जो है दो नदियाँ हैं गोवा की, मांडवी और जुआरी, गोवा की दो प्रमुख नदियाँ मांडवी और जुआरी। उसके बाद और आगे आते हैं हम, कर्नाटका में दो नदियाँ हैं, पहली है गंगावेली, दूसरी है सरावती। सरावती पर ही जोग प्रपात है ना, गुरसप्पा नाम है जोग प्रपात। केरल में आते हैं दो नदियाँ हैं, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। तो ये है कंप्लीट नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली। एक बार फिर से क्रम से आपको बताता हूँ, पहली आपकी नदी है लूनी नदी जो कि अंतःस्थलीय है। इसके बाद आपकी साबरमती है, साबरमती के बाद माही नदी है, माही के बाद आएंगे नीचे तो यहाँ पर नर्मदा है, फिर तापी है, इसके बाद जो है मांडवी जुआरी, मांडवी और जुआरी के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, पहली है गंगावेली, दूसरी है सरावती। सरावती के नीचे दो नदियाँ हैं, पहली नदी कौन सी है, इसके नीचे जो है दो नदियाँ आपकी प्रमुख हैं, पहली है भरतपूजा और फिर है पेरियार नदी। तो ये हो गई अरब सागर में जल गिराने वाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पहुँचते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों में से सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी में ही मिल जाती है जा करके, है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, इसी नदी पर अवस्थित है। तो ये जा करके मिल जाती है आपकी किसमें, हुगली नदी पे। आगे बढ़ते हैं, हुगली नदी पर मिलने के बाद जो है फिर है आपकी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा में कुछ सोने के तत्व पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है इस नदी पर, सोने की सोना धातु पाई जाती है, इसका नाम स्वर्णरेखा है। झारखंड वाले क्षेत्र से निकलती है और फिर जाकर उड़ीसा में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बाद नीचे है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। उसके नीचे जो है आपकी है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से निकलती है, जिसका नाम है महानदी, है ना। महानदी के बाद त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। इसके बाद आपकी है पेन्नार नदी, पेन्नूरी नदी और उसके जस्ट नीचे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद बैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। एक बार पूरा क्रम देखते हैं, दामोदर नदी, दामोदर नदी के बाद आपकी है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के बाद ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नौर, पेन्नौर के बाद आपकी कावेरी, कावेरी के बाद आपकी बैगई, बैगई के बाद ताम्रपर्णी। तो ये हैं कंप्लीट नदियाँ भारत की नदी तंत्र के अंतर्गत। देखिए, नदियाँ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत हैं, नदियों ने ही सभ्यताएँ बनाई हैं, नदियों ने ही जीवन दिया है, जल ही सब कुछ है, जहाँ जल नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। नदियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शुद्ध जल पेय के रूप में है। सागरों में तो बहुत जल भरा हुआ है, 70% जल तो हमारे धरती में पीने योग्य है ही नहीं, है ना। नदियों का जल ही है जो कि 1-2% है जो ग्लेशियर से आता है और आने के बाद जो है हमें हमारे जीवन देता है, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए, उद्योगों के लिए ये जल प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब नदियाँ धीरे धीरे दूषित होती जा रही हैं। गंगा की बात करें तो गंगा यहाँ पर जिस कलकल धारा से निकलती है, आप सामने देख सकते हैं गंगा नदी को, कितना स्वच्छ है और कितनी साफ़ सुथरी है, कांच की तरह साफ आपको दिख रही है। लेकिन कालांतर में ये नदियाँ आगे जा करके औद्योगिकृत होने के कारण से या फिर घरेलू कचरा का जाने के कारण से, औद्योगिक कचरा जाने के कारण से धीरे धीरे गंदी होती चली जा रही हैं। इसी तर्ज पर भारत सरकार बहुत सारी नदियाँ बना रही है, जैसे कि आपके एक योजना है नमामि गंगे योजना, इसी तर्ज पर है, गंगा को साफ करना है हमें। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको स्वच्छ करना है, जो गंगा पे सहायक नदियों के रूप पे आकर इस पे गिरती हैं। एक बात और कि
हिमालय नदियों पर तो सरभर पानी रहता है ना, ग्लेशियर्स हैं पिघल रहे हैं, वर्षा से भी जल प्राप्त कर लेती हैं और खूब बढ़िया पानी इनमें जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती हैं, सहायक नदियां भी लगातार आती रहती हैं। लेकिन नदियों का जो और स्वरूप है, जैसे कि हम देखते हैं नदियों में आपका इनके मानसूनी नदियों में नहीं है पानी, वहाँ पर पानी की एक निश्चित अवधि है, मानसून के टाइम में वर्षा होगी तो पानी मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। तो उनके लिए नदी जोड़ो परियोजना, भारत सरकार का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो परियोजना, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक बनाया गया है, कृष्णा और गोदावरी को आपस में जोड़ा गया है, सिंधु और सतलुज और यमुना को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो नदियों को आपस में जोड़ दे ताकि सभी क्षेत्रों को सभी समय पर पानी प्राप्त हो सके, जल प्राप्त हो सके। और ये नदी जोड़ो परियोजना, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर कुदरत के साथ छेड़छाड़ होगी, दरिया के रास्ते को आप मोड़ नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से नदियों को जोड़ने का प्लान भारत सरकार का है, देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया जाना चाहिए ताकि भारत के सभी क्षेत्रों में जल को विकेंद्रीकृत किया जा सके और प्राप्त किया जा सके। तो देवप्रयाग की धरती से आज मैंने भारत की सभी नदियों के बारे में आपको बताया। एक बार फिर से आप मंदाकिनी नदी को देख सकते, भागीरथी नदी को देख सकते हैं और अलकनंदा नदी को देख सकते हैं, दोनों का संगम स्थल ये गंगा के नाम से है, यहाँ पर संगम वाला क्षेत्र है ना, और बड़ा ही अच्छा, कभी भी घूमने आइए आप यहाँ पर देवप्रयाग में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, समय दीजिए यहाँ पर, बड़ा ही शांत माहौल है, सामने पहाड़ है, देखिए कैसे घर बने हुए हैं, बड़ा ही आश्चर्यजनक है कैसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। हमारे यहाँ पर तो बड़ी विडंबना होती है कि मैदानों में इतना कमज़ोर हम लोग चीज़ें बनाते हैं कि मैदानों के घर ढह जाते हैं, ये घर बहुत पुराने हैं और किस तरीके से टिके हुए हैं, पहाड़ों को काटकर कैसी कारीगरी की गई है। कभी कभी ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि भारत बहुत उन्नति और बहुत प्रगति के पथ पर है। और जो है इन घरों में आप देखिए, ये पर्वतीय जीवन बड़ा ही रोमांचकारी है। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता होगा इन लोगों को, जो भी सामग्री लेनी है मैदान जाना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बड़ा बाज़ार है, हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पर। देवप्रयाग तो देवप्रयाग के आसपास ही बहुत सारे गाँव हैं, आप देख सकते हैं ऊपर कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में घरों को देखकर अजीब सा लगता है और यहाँ की सड़कें बड़ा दिल थाम के यहाँ पे चलना होता है, थोड़ा सा भी चूके आप खाई में गिर सकते हैं, है ना। तो कभी भी आप लोग समय मिले तो इन क्षेत्रों पर ज़रूर आइए, नदियों को देखिए, इनसे प्रेरणा पाइए, आध्यात्मिक अनुभूति लीजिए और शांत अपने मन को शांत कीजिए, अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कीजिए, इसको स्वच्छ रखिए और इसको आगे जो है हमें बेहतर ही बनाते चले जाना है। तो भारत दर्शन के इस थीम प्रोजेक्ट के साथ मैं आज जो है आप लोगों के साथ आया था प्रयागराज, देवप्रयाग में आज जो है हमने नदियों को पढ़ा। इससे पहले मैंने थार के मरुस्थल में जाकर के आपको मरुस्थलीय जानकारी दी, इसके बाद जो है आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड जो हिमालय को लेकर के मेरे द्वारा बनाया जा रहा है हिमालय से संबंधित, तो मतलब आपको सब कुछ दूंगा मैं ये भारत दर्शन प्रोजेक्ट में, मैं जा करके व्यवहारिक ज्ञान खुद भी चीज़ों को देख करके अनुभव प्राप्त करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, द्वीपों में जा करके द्वीप दिखाऊंगा, चीज़ों को पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज नदियों के बारे में समग्र जानकारी मेरे द्वारा दी गई, मैंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया, गंगा नदी तंत्र पढ़ाया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया, प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सभी पक्षों को हमने देखा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत दर्शन के इस प्रोजेक्ट को आपको ही सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए लोगों को और बताइए इसमें और क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, धीरे धीरे और इसे बेहतर किया जाएगा, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।